On the occasion of the Samvidhan Divas, Prime Minister Modi hit out at the opposition for boycotting the event and fired a dynasty politics attack. Prime Minister Modi said, for some it is party for the family, party by the family. He's also added that if a party is run by one family generation after generation, then it is not right and that it is a threat to democracy. Prime Minister Modi has also reminded opposition parties that nation should be first for any political party and not the party. He said that this wasn't a party event but a day when Parliament honours Dr. Ambedkar and the Constitution. Prime Minister Modi's all-out attack came after Congress, along with other opposition parties, decided to boycott the event. Congress alleged that observance of this day as a government function would be disrespecting the spirit of Constitution. Cracks in the opposition were visible after Congress's call for the boycott, as TMC said they did not boycott the event but missed the event because none of the MPs were in Delhi. Other opposition parties, including RJD, Sena, NCP, SP, MLD, NK, CPI, and CPIM, also did not take part in the celebrations. जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां, जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते, क्योंकि नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छूट जाता है। ये कार्यक्रम किसी सरकार का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी प्रधानमंत्री ने आयोजित नहीं किया गया था। हम सब उन महान पुरुषों को प्रार्थना करें कि वो हमें शिक्षा दें, ताकि हम हमेशा स्पीकर पद की गरिमा बनाए रखें, बाबा साहब आम्बेडकर का गौरव बनाए रखें और संविधान का गौरव बनाए रखें। Listening to some political reactions on opposition boycotting the Constitution Day event. All the opposition parties in 2019 the same time decided to boycott the event. It is only an event bazi and this government believes in events only. And therefore all the opposition parties in 2009 decided, now Congress party is also following the same procedure and we've spoken to the many of the parties and many of the parties also has kept up with our line. Aaj us rajya ko, janta ko, sabko उनके अधिकार कुचल दिए जाते हैं, तो संविधान का मतलब क्या होता है? कहाँ है संविधान? और आप संविधान दिन मना रहे हो एक दिन के लिए सेंट्रल हॉल में। विपक्ष ने एकजुट होकर उसको विरोध जताया है। एक तरफ तो आप संविधान दिवस मना रहे हैं और दूसरी तरफ संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, चाहे न्याय हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो। इन सारी चीजों के मद्देनजर मैं समझता हूँ साझा विपक्ष ही नहीं, लोगों के अंदर भी ये है कि इस संविधान दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, इसकी महत्ता क्या है। और मैं समझता हूँ इस दृष्टिकोण से अगर सत्ता प्रतिष्ठान सामने आईना रखे और एक बार मूल्यांकन करे, उन्होंने बीते 7-8 वर्षों में संवैधानिक मूल्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, तो संभवतः अगली बार वो संविधान दिवस नहीं मनाएंगे, संविधान बचाओ दिवस मनाएंगे। आज संविधान दिवस के मौके पर केंद्र व सभी राज्य सरकारें इस बात की गहन समीक्षा करें, क्या ये सरकारें भारतीय संविधान का पूरी ईमानदारी व निष्ठा से सही पालन कर रही हैं, अर्थात नहीं कर रही हैं। हमारी पार्टी का ये मानना है, इस मामले में इनको जरूर सोचना चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी ने आज केंद्र व राज्यों की सरकारों के भी इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है।